लुक, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल जो है उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, राइट? बेसिक चीज़ आप लोगों ने जैसे छोटी क्लासेस में मैथ्स में कई सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है ना, और कई सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी। हर मैथमेटिकल फार्मूला या मैथ इक्वेशन अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है मैथ्स की लैंग्वेज में। जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये लिखा हुआ है 2 + 3 = 5, सब जानते हैं 2 + 3 = 5 होता है, राइट? तो हम ये कह रहे हैं कि 2 + 3 = 5 मैथ्स की लैंग्वेज में अगर इसको एक स्टेटमेंट माना जाए, क्या माना जाए? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कथन हिंदी में। तो ये कथन है कि भाई 2 + 3 = 5 होता है। तुमसे अगर कोई पूछे कि ये सत्य है क्या, सत्य है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि 2 - 3 = 6 तो आप क्या कहेंगे कि ये गलत है, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? उसी तरह मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम लोग ऐसे ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी चेक करते हैं। वैलिडिटी समझते हो कि जो लिखा हुआ है सामने वो ट्रू है कि फॉल्स है, उसमें भी आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, लेकिन वो स्टेटमेंट इनसे थोड़ा सा अलग होगा। वो स्टेटमेंट कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। वो स्टेटमेंट आपको किसी फॉर्मूले के रूप में दिया जा सकता है, वो स्टेटमेंट किसी एक श्रेणी या सीरीज के रूप में दिया जा सकता है, और वो आपसे ये कहेंगे कि इसको प्रूफ करिए विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन पद्धति से हम लोग किसको प्रूफ करेंगे कि ये सत्य है, किस तरह के स्टेटमेंट्स को, और फिर आपको बताऊंगा कि गणितीय आगमन विधि या पद्धति होती क्या है, और फिर हम लोग उस क्वेश्चन को करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहां पर एक स्टेटमेंट दिया जाए इस तरह से कि 1 + 2 + 3 + (n) = (n-1/2), ऐसे लिख दिया जाए। ये एक स्टेटमेंट है ना, ये एक स्टेटमेंट है, हम इसको नाम दे देते हैं sn। क्या नाम दे देते हैं? sn। s मतलब स्टेटमेंट और n मतलब कि जहां पर, जहां तक ये गया है। n यहां पर कुछ भी हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1 lakh हो सकता है, 2 lakh हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक? और इसके राइट साइड में भी कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 2 + 3 + (n) = (n)(n-1/2), ठीक? यानी कि जो n की वैल्यू यहां लिखोगे वो लेफ्ट साइड में भी लिखनी है और राइट साइड में भी लिखनी है। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से बराबर चीज मिलनी चाहिए, अगर ये ट्रू है तो, ठीक है ना? चेक करके देखते हैं। पहले मान लो बच्चों कि हम इसमें n की जगह पर 1 लिखें तो क्या आना चाहिए? तो यहां पर आएगा 1, लेकिन इस तरफ कितना आ जाएगा? अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर आएगा 1 × 1-1/2, मतलब यहां पे कुछ गलती है, शायद यहां पर +1 आएगा, ठीक है? अब चेक करते हैं। अब यहां पर आप n की जगह पर 1 लिखो, ये 1 और ये 1 + 1 = 2, ये कैंसिल हो गया और आपके पास कितना आ गया? 1। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आ गई राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्लियर? yes. पक्का? चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। s2, s की जगह मतलब n की जगह पर आप 2 लिखिए तो कितना हो जाएगा? ये 1 + 2 तक जाएगा बस। n मतलब 2 तो मतलब 1 + 2, राइट? तो कितना हो गया? ये हो जाएगा, दोनों मिलके हो जाएंगे कितना? 3। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 1/2। तो दिस इज ऑल्सो, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 + 1 = 3, मतलब राइट हैंड साइड भी 3 आया और लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आया, मतलब n इज इक्वल टू 2 के लिए भी क्या है? ट्रू है, दोनों तरफ साइड बराबर आ रहा है। अब अगर हम इसमें 3 लिखें तो, इसमें 3 लिखेंगे तो ये 1 + 2 + 3 टोटल कितना हुआ? 6। अब राइट साइड में लिख के देखो तो आएगा आपके पास में 3 + 1/2, तो ये हो जाएगा 4,
इट्स अ 3 × 4/2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6, मतलब दोनों साइड आपको पास फिर से क्या आ गया 6 आ गया। मतलब कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम तो इसको फॉर्मूला ही कहेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 या इसमें n की कोई भी वैल्यू लिख दो सबके लिए क्या है ट्रू है। ठीक, ये तो हमने जनरली चेक करा। अब इस तरह के और भी कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे अपने चैप्टर में, आपको उन्हें प्रूफ करना है, लेकिन उनको इस तरह से प्रूफ नहीं करना है। ये जनरल वे हो सकता है या सामान्य रूप हो सकता है किसी क्वेश्चन को चेक करने का कि वो सही है कि नहीं है, लेकिन पेपर में ऐसे करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेपर में तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से करने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी भी फॉर्मूले या स्टेटमेंट की वैलिडिटी या वो सत्य है कि असत्य है कैसे चेक किया जाता है। तो पहले मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल बता देता हूं कि वो होता है क्या वास्तव में। ठीक है, अब उसको समझो जरा। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास में मान लीजिए कि Sn जो है एक स्टेटमेंट है, क्या है एक स्टेटमेंट है, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक मैथ स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल यह सिद्धांत कहता है कि आप पहले उसमें n की जगह पर 1 लिख के देखो, अगर वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर दे दे तो इसका मतलब ये हुआ क्या, सबसे पहले उसे दिखाओ कि n इज इक्वल टू 1 के लिए वो ट्रू है। क्या दिखाओ कि वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ये आपको दिखाना है। ओके, यू हैव टू शो इट यानी आपको ये दिखाना पड़ेगा चेक करके इस तरह से। फिर दूसरा उसका स्टेप ये रहता है, ये मानने वाला है, ये प्रूफ नहीं करना है, ये ट्रू करके दिखाना नहीं है, ये मान लेना है अपनी मर्जी से, क्या लेट Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, कोई नंबर k, कोई भी नंबर है k, उसके लिए ये क्या है ट्रू है, ये हमने मान लिया है अपनी मर्जी से, ये दिखाना नहीं है, मान लिया, मतलब जो भी वो दिया होगा उसमें इनकी जगह k लिख देंगे और उसको मान लेंगे कि ये ट्रू है। देन इसके बाद में जो थर्ड एंड फाइनल स्टेप है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो Sn है उसमें n की जगह पर लिखना पड़ेगा k+1, तो आपको मिल जाएगा कितना Sk+1। ठीक, अब इस Sk+1 में लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड होगी, आपको करना यह पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड लेकर आनी है। मेरी बात समझ में आई? Sn में n की जगह k+1 लिखोगे तो दोनों साइड बन जाएगा कुछ ना कुछ, राइट right? लेकिन आपको अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या लेकर आना है, राइट हैंड साइड लेकर आना है। अगर आप ये ला पाए तो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल कहता है कि ऐसी स्थिति में ये जो Sn स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा, यानी कि सत्य माना जाएगा। समझ में आया? ठीक, तीन स्टेप्स हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा Sn इज इक्वल टू सॉरी Sn में n इज इक्वल टू k के लिए आप मान लेंगे कि ये है सत्य, और फिर जो माना है ना उसी की मदद लगेगी एक्चुअल में इसमें, दैट्स व्हाई। ओके, और फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 उसमें रख कर आप दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड अपने आप आ जाती है। समझ में आया? मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है, क्लियर हुआ? ठीक है ना, इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट बुक में दिया, अच्छे से समझ लेना, मतलब लिख लेना या देख लेना कि क्या लिखा है। मैंने आपको सार बताया कि उसमें करना क्या है बेसिकली अपने को। अब हम इस क्वेश्चन को, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, हम इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूफ करेंगे, है ना। एक बात समझ लेना कि मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल की मदद से अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो हर क्वेश्चन को करने का एक ही पैटर्न है, बस क्वेश्चन बदलेंगे बस। अगर आपने ये समझ लिया कि करना कैसे है तो आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाएगी। Suppose that this is the question. आपको कहा है कि ये प्रूफ करना है आपको विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
आप जब सोल्यूशन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप लोग ये लिखेंगे, लेट माना एस एन सच दैट, दो बिंदु का मतलब है हमने इस चीज को कुछ मान लिया है, एस एन सच दैट 1+2+3+... n is equals to n n plus 1 upon 2, this is 1, ठीक हमने मान लिया इसमें, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पे सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे कैसे, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 एस 1 सच दैट 1 इज इक्वल्स टू 1 1 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो आप यहां पर लिखोगे दिस इंप्लाइज एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, राइट। नाउ लेट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, दैट इज यानी अर्थात एस के सच दैट 1+2+3+... k इज इक्वल्स टू k k प्लस 1 अपॉन 2, राइट। n की जगह पर k लिख दिया, ये हमने माना है, ठीक है ना, मतलब ये चीज है हमारे पास कैसा होता है। अब नाउ नाउ वी शो Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, राइट। पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 k प्लस 1 इंटू एस एन, देन आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा s k प्लस 1, तो 1+2+3... k प्लस k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1, यहां हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2, ठीक। ये s k प्लस 1 का ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ s k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इट्स अ 1+2+3+... k प्लस k प्लस 1, ठीक है, कोई डाउट। इसमें आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा क्योंकि एक अपने आप में क्या एक टर्म है, एक पद है, ठीक है ना, एक एलिमेंट है इस सीरीज का। अब जरा ध्यान दो, दिस इज इक्वल्स टू, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है, ये 1+2+3+k, इतनी वैल्यू इज इक्वल्स टू है k k प्लस 1 अपॉन 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं k k k प्लस 1 अपॉन 2, और ये प्लस k प्लस 1 पहले से ही है, ये कहां से लिखा आपने, बाय सेकंड। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान से देखो, ये k प्लस 1 ये k प्लस 1, अगर आप k प्लस 1 को इसमें से ले लें कॉमन, तो अंदर बचेगा k अपॉन 2 प्लस 1, हाँ या ना, yes, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो यहां 1 बच गया, ये चला गया बाहर, k बाय 2 बच गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा k प्लस 1 ब्रैकेट, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2, तो आपको मिल जाएगा k प्लस 2 अपॉन 2, तो ये आ गया k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब क्या हुआ, देयरफॉर या हैंस एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, आपने दिखा दिया। अब आप एक आखिरी लाइन लिखेंगे क्या, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल
principle. Sn is true for all n belongs to n. ठीक, ये n क्या है? Natural number, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय. मतलब ये है, ये जो लाइन है ना, ये सबसे आखिरी में आएगी जब आप ये सारा काम कर लोगे. मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने ये जो प्रोसेस करी है मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो क्योंकि आपने जो तीनों शर्त थी मैथमेटिकल इंडक्शन की वो पूरी कर दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो SN स्टेटमेंट था मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम की मदद से या प्रिंसिपल की मदद से, इसमें आप N की जगह कुछ भी लिखो, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर रहेगी. ठीक, अब वो चेक करने की जरूरत नहीं है. ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ N. कोई डाउट? पक्का? श्योर? तरीका समझ में आया? ठीक है ना? ओके. वन का क्वेश्चन नंबर वन, हमें ये मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूफ करना है कि ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, यानी कि सत्य है ये. हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 रेस टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 रेस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2. ठीक, सबसे आसान चैप्टर है ये. अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आता है, गुणा भाग जोड़ वगैरह सब आता है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी इसमें, और तरीका पता है तो ठीक है, और हंसते खेलते हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस. अब जरा समझो कैसे करना है इसको. फिर से हम शुरुआत करेंगे, अभी मैं हिंदी में लिखूंगा पूरा क्वेश्चन, आप समझ जाओगे तुम. राइट, हम लोग शुरू करेंगे अब इसका हल या सोल्यूशन. सबसे पहले लिखेंगे माना पी एन. मैं पी एन इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आप लोगों की बुक में पी एन दिया हुआ है. ठीक है, पर आप एस एन लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, टी एन लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, कुछ भी लिख देना. Now 1 plus 3 plus 3 square plus dot dot 3 raised to the power n minus 1 is equals to 3 raised to the power n minus 1 upon 2. इसको नाम दे देते हैं 1. ठीक है ना? n is equals to 1 लेने पर. ठीक, हमने n is equals to 1 लिया. तो P1 is such that it's a 1 is equals to 3 raised to the power 1 minus 1 upon 2. तो ये आपको यहां से मिल गया, 1 is equals to 3 minus 1 upon 2, यानी कि 1. यानी कि क्या बच्चों? LHS is equals to RHS. आ गया ना? 1 is equals to 1. लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही था n is equals to 1 के लिए. राइट हैंड साइड में सॉल्व करा, n की जगह 1 लिखा, तो 3 की पावर 1 3 होता है, माइनस 1 2 डिवाइड बाय 2 1 आ गया. मतलब कि pn n is equals to 1 के लिए क्या है? सत्य है. राइट, नाउ माना pn n is equals to k के लिए सत्य है. ठीक, मतलब आपके पास में एक रिजल्ट आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा, अर्थात हमें मिल जाएगा, जैसे ही हम इस pn में n is equals to k लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? 1, सॉरी यहां से लिखते हैं, pk such that 1 plus 3 plus 3 square plus dot dot 3 raised to the power k minus 1 is equals to 3 raised to the power k minus 1 upon 2. मतलब ये स्टेटमेंट हमें मिल गया है और हमें पता है कि ये ट्रू है, ये सत्य है, क्योंकि हमने माना है ये कि इसमें k की किसी वैल्यू के लिए ये हमें मिलेगा, ये इज इक्वल्स टू ये होगा. ठीक, अब हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? अब हम दिखाएंगे कि pn n is equals to k plus 1 के लिए सत्य है. ठीक, ये हमें दिखाना है. क्या मतलब हुआ? दैट इज, अर्थात हमें क्या दिखाना है कि pk plus 1 is equals to, not is equals to, such that 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube plus dot dot 3 raised to the power k minus 1 plus 3 raised to the power k. समझ में आया?
भाई जब के था तो के माइनस वन आया, अभी आपने एन की वैल्यू कितनी ली है, के प्लस वन, तो एक पद और बढ़ गया, एक टर्म और बढ़ गया, तो थ्री रेस्ट टू द पावर के माइनस वन के आगे एक पद और आएगा, थ्री रेस्ट टू द पावर के। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में यहां एन की जगह पर आएगा के प्लस वन, यानी थ्री रेस्ट टू द पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, राइट। अब हमें यह दिखाना है कि अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाता है, राइट हैंड साइड आ जाएगा, हमें यह दिखाना है, राइट। कैसे, अब चलिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट थ्री रेस्ट टू दी पावर के माइनस वन प्लस थ्री रेस्ट टू दी पावर के इज इक्वल्स टू, यहां से लेके यहां तक को क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर टू की मदद से आप लोग लिख सकते हो थ्री रेस्ट टू दी पावर के माइनस वन अपॉन टू। तो यहां पे लिखिए थ्री रेस्ट टू दी पावर के माइनस वन अपॉन टू, और ये जो प्लस में थ्री रेस्ट टू दी पावर के चल रहा है इसको एज इट इज। नाउ अब जरा ध्यान देना, यहां पर टू का मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेके, तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके तो आपको मिलेगा 3 रेस्ट टू दी पावर के माइनस 1 प्लस 3 रेस्ट टू दी पावर, या हम लोग यहां पर इसको लिखते हैं 2 3 रेस्ट टू दी पावर के अपॉन 2, सही है, कोई छूट तो नहीं रहा है, पक्का, ओके। नाउ अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐड हो रहा है, ये 2, ये वास्तव में 2 इंटू है ना, तो ये 2 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर के, ये माइनस 1 एज इट इज और डिवाइड में 2, कुछ नहीं किसी नंबर की पावर मतलब 1 रहती है, और आपको ये पता होगा कि अगर बेस सेम हो आधार एक हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर के, दोनों पावर दोनों की पावर ऐड होंगी तो 3 रेस्ट टू दी पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। देखो आपको ये प्रूफ करना था, दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया, तो आप यहां पे लिख देंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से पी एन एन बिलोंग्स टू एन के सभी मानों के लिए सत्य है, राइट। आ गया समझ में, कोई परेशानी, तरीका बिल्कुल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, बस केवल आपको करना क्या है, ये जो प्रूफ करने का प्रोसेस है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई मुझे यहां पर यहां से 2 से ये लिख देना है और फिर सॉल्व करके किसी ना किसी तरीके से ये लेकर आना है, दैट्स ऑल, राइट। अब नोट कर लो इसे, और कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट नहीं, प्रियंका हाँ देख लो अच्छे से देखो, सर ये थ्री क्यूब है ना, सर वो कहां से आया, कौन सा थ्री क्यूब, अच्छा ये कहां से आया, तुम बताओ कहां से आया, पावर बढ़ रही थी ना उसके आगे 3 की पावर 4 हो जाता, सिंपल, अरे ये लगा तो है प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इसके आगे भी कुछ है, तो क्या होगा इसके आगे, अंदाजा लगाओ इन दोनों को देख के क्या होना चाहिए इसके आगे, 3 रेस्ट टू द पावर 3 होगा, ठीक। अब वो गलती से हमसे लिख गया तो तुम्हारा डाउट तो दूर हो गया ना कम से कम, ठीक है, और कुछ, चलिए ठीक है, करो नोट इसको। अब तुम चाहो तो आगे के क्वेश्चंस कर लो, हम लोग थोड़ा सा धीमी गति से चलेंगे, है ना, इस क्वेश्चन की ओर ध्यान दो, ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। आपको प्रूफ करना है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एन क्यूब इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होता है, इट्स अनदर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और आपको मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से दिखाना है। आपने बिल्कुल उसी पैटर्न में किया, ठीक है ना, क्या किया आपने, सबसे पहले इसको पी एन मान लिया इक्वेशन नंबर 1,
आपने n इज इक्वल टू 1 लिया सबसे पहले और देखा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है, तो आपने जब इसमें n की जगह 1 लिया तो नो डाउट n का मतलब लेफ्ट में होता है कितने पद लेना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेना है, तो एक ही पद लेना है, तो 1 का क्यूब, 1 क्यूब यानी कि 1। राइट हैंड साइड में आपने 1 लिखा तो 1 प्लस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यानी 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए pn ट्रू है, ये हमने लिख दिया। pn इज pn n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, इंग्लिश में pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन हमने मान लिया कि pn n इज इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है, सत्य है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें n की जगह क्या आएगा, हमने n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। अब हम ये दिखाएंगे कि जो pn है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, ये हम लोगों को दिखाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट था उसको k प्लस 1 पदों के लिए एक्सटेंड किया, अभी तक केवल k पद थे, अब k प्लस 1 पद रहेंगे लेफ्ट साइड में, राइट, तो लेफ्ट साइड में p k प्लस 1, तो ये k क्यूब के आगे k प्लस 1 क्यूब तक भी जाएगा, और यहां पे जहां जहां k होगा वहां वहां k प्लस 1 बन जाएगा, तो यहां पर k था तो k प्लस 1 कर दिया, यहां k प्लस 1 था, k प्लस 1 और ये प्लस 1 और, राइट, सिंप्लीफाई किया, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब हमें अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये लेकर आना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करी, राइट, आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं k k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब हमें इसके आगे इसे सिंप्लीफाई करना है और ये लेकर आना है, बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या लिखा है, k प्लस 1, राइट, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, हाँ या ना, राइट, भाई k होल स्क्वायर था ना, तो k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 होल क्यूब, ठीक, ये k प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये k प्लस 1 होल क्यूब है, ये दो पावर है, ये तीन पावर है, कॉमन क्या निकल सकता है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, आप यहां से k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट के अंदर आएगा k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन में आ जाएगा 4, राइट। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब आपको क्या दिख रहा है, ये k प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा है, ये k प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, डिवाइड में ये जो 4 है इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, और ये जो ऊपर दिख रहा है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, किसका, k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इट्स अ k प्लस 2 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाय 2 और पूरे का होल स्क्वायर, और देखो यही राइट हैंड साइड थी, यही था ना राइट हैंड साइड, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ गया, राइट। यहां पर जरूरत किसकी पड़ी कि आप लोगों को ये पता हो कि ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और कैसे पता चलेगा, जो जरूरत है वही तो बनेगा ना, कुछ और तो बनेगा नहीं, तो याद रखना कि ये k प्लस 2 ही बनेगा, नहीं याद आए तब भी लिख देना जो लाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रूफ हो गया। नाउ फाइनली आप क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः गणितीय, अब वो पूरी कहानी है, वो आखिरी वाला स्टेटमेंट वैसे ही चलेगा, वो पहले से आखिरी तक यही चलेगा, है ना, पूरा लिख देना, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से pn n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है, ये लास्ट में ये नाम जरूर आना चाहिए, गणितीय आगमन Hence, by mathematical induction principle, the statement is true for all n belongs to capital N. ठीक, समझ में आया बेटा? कोई डाउट? अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन को लेंगे, ठीक? अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखे वो सीरीज में थे, ओके? जिसमें n के बढ़ने या कम होने से सीरीज छोटी बड़ी होती थी लेफ्ट साइड वाले,
अभी ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, और आपको इस चैप्टर में केवल इन दो वैरायटी के क्वेश्चन ही मिलेंगे, एक जो आप अभी करके आए हो और अब एक ये। ठीक, ये प्रश्न कैसा है पहले समझो इसको। लिखा हुआ है शो दैट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन का मतलब ये होता है कि आप स्मॉल एन की जो वैल्यूज हैं वो कोई भी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, सौ ले सकते हैं, पचास ले सकते हैं, दस लाख ले सकते हैं, सौ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आपको किसी भी n के लिए यह दिखाना है कि 7 रेस टू द पावर n माइनस 3 रेस टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 4, यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें 4 का पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि उसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है किसकी मदद से, मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। अब कैसे दिखाओगे, जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल वही रहेगी, बस मैथमेटिकल पार्ट बदलता जाएगा। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं अपन लोग सॉल्यूशन की। तो लेट्स स्टार्ट ये सॉल्यूशन। लेट पी एन सच दैट 7 रेस टू द पावर एन माइनस 3 रेस टू द पावर एन इज मल्टीपल, इसको पीएन, ओके मल्टीपल इसको पीएन मानते हैं बस केवल। ठीक है, दिस इज पीएन, हमने इसको मान लिया राइट। अब फॉर एन इज इक्वल्स टू वन, इसको पहले पीएन माना, अब एन इज इक्वल्स टू वन लेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए p1 इज इक्वल्स टू आएगा 7 माइनस 3 रेस टू द पावर 1 राइट, तो इट्स अ 4, 4 आया जो कि क्या है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 4 में 4 का भाग जाते ही है, तो मतलब जो आया है उसमें 4 का डिवाइड हो रहा है, इट मींस दैट इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4। समझ में आया है ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, 4 से विभाज्य है। ठीक, और इसका हिंदी में क्या बोलेंगे कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये जो आया n is equals to 1 के लिए ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट pn इज ट्रू फॉर n is equals to k, मान लिया हमने कि जो pn है वो n is equals to k के लिए ट्रू है, That is pk such that 7 raised to the power k minus 3 raised to the power k is divisible by 4। मतलब क्या हुआ कि अगर ये 4 से divisible है तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 raised to the power k minus 3 raised to the power k की जो भी value आने वाली है उसमें 4 तो हो गई होगा कहीं ना कहीं, तो आप इसको ऐसे लिख दो 4 इंटू एम। एम कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह बात पक्की है कि एम के साथ में एक 4 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने माना है कि ये जो है ये 4 का मल्टीपल है, 4 से विभाज्य है, तो इसका जो भी मान आएगा उसमें 4 तो हो गई होगा। समझ में आया, ठीक है, तो ये हमने ट्रू मान लिया है, अब इसको मान लीजिए आप 1। ठीक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नाउ वी शो पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1। ठीक है, तो p k प्लस 1 सच दैट यहां पे आएगा 7 रेस्ट टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 रेस्ट टू द पावर k प्लस 1। यहां पर अब जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बढ़ना कैसे आगे, आपको किसी भी तरह से इसमें ये वाला टर्म जनरेट करना है किसी भी तरह से। अब कैसे जनरेट करेंगे, सिंपल, शुरुआत यहां से पहले चीज से की जाती है। कैसे करेंगे, लुक एट दैट, ये कितनी पावर है, 7 रेस टू द पावर k प्लस 1, लेकिन तुम्हें कितनी चाहिए k,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 7 इंटू 7 रेस टू दी पावर के माइनस 3 रेस टू दी पावर के प्लस 1 लिख सकते हो। देखो सर, 7 रेस टू दी पावर के प्लस 1 को मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया, सही है, क्योंकि ये पावर 1 और ये के दोनों मिलके कितनी हो जाएगी, के प्लस 1 हो जाएगी, और इसको मैंने कुछ नहीं छेड़ा, वैसा क्या वैसे लिख दिया। अब जरा ध्यान देना, हम इसको अब ऐसे लिखने वाले हैं, ये 7 ब्रैकेट 7 रेस टू दी पावर के माइनस 3 रेस टू दी पावर के, ठीक, ये 7 इसके साथ थाई मैंने अलग लिख दिया, और ब्रैकेट में मैंने अपनी मर्जी से एक नया पद डाल दिया, कौन सा, 3 रेस टू दी पावर के, लेकिन वो 3 रेस टू दी पावर के साथ में ये 7 भी है, तो ये तो मेरे पास था नहीं ना, मैंने अपनी मर्जी से डाला है, तो जिसको आप अपनी मर्जी से डालते हो उसको बैलेंस करने के लिए, हटाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। आपने माइनस का चिन्ह लेके इसको अंदर डाला है, तो इसको हटाने के लिए या बैलेंस करने के लिए आप प्लस का चिन्ह लगा के 7 इंटू 3 रेस टू दी पावर के आपको अपनी मर्जी से करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो देखो बैलेंस हो गया, जब इसका 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 रेस टू दी पावर के प्लस 1 बन जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगे, ठीक। ये जो बच रहा है इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 3 रेस टू दी पावर के प्लस 1, कोई डाउट, पक्का, श्योर। अब जरा ध्यान दो, ये 7 आप इतने की जगह पर क्या लिख सकते हो, 4m प्लस, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 रेस टू दी पावर के, तो अगर आप 3 रेस टू दी पावर के को कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 7 माइनस, ये कितनी पावर है, के प्लस 1, के आपने बाहर निकाल दिया तो अंदर कितना बचा, 3 की पावर 1, तो इट्स अ 3 रेस टू दी पावर 1, तो आपके पास आया 7 इंटू 4m प्लस 3 रेस टू दी पावर के इंटू 4, हाँ या ना। अब जरा देखो, ये भी 4, ये भी 4, दोनों में से 4 कॉमन निकाले तो आपको मिलेगा 4 इंटू 7m प्लस 3 रेस टू दी पावर के, हाँ या ना, पक्का। अब लुक एट दैट, इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें k कुछ भी हो सकता है और m भी कुछ भी हो सकता है, m एंड k बोथ बिलोंग्स टू n। यहां पर आप m की जगह कुछ भी लिखें, k की जगह कुछ भी लिखें, लेकिन इसके साथ में क्या है, 4 मल्टीप्लाई में है, तो मतलब जो भी ये नंबर आया है उसमें 4 का हमेशा डिवाइड हो गई होगा, तो आप इसमें लिख दीजिए यहां पर, नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है ये, कौन, ये ऊपर वाली चीज, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट इज pn is true for n is equals to k plus 1, ठीक हो गया, k plus 1 के लिए भी, समझ में आया कि नहीं आया, तो अब आप यहां पे क्या लिख दोगे, hence वो पूरी कहानी, by mathematical induction principle pn is true for all small n belongs to capital N, यानी कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए pn क्या है, सत्य है, ठीक है, ये उसका हिंदी में मतलब है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों जिसमें मल्टीपल प्रूफ करना पड़ेगा, तो आप पहली स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, n is equals to 1, दूसरी स्टेप में n is equals to k के लिए आप मान लोगे, लेकिन वहां पर ध्यान रखना, वो चाहे 4 का मल्टीपल हो, चाहे 5 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 24 का हो, चाहे 16 का मल्टीपल हो, आपको यहाँ 16m या 24m ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये किसका मल्टीपल है आपने जो माना है। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो k प्लस 1 लिखना है n की जगह पर, ठीक है ना, एंड देन इसके बाद में जो पहले वाला टर्म है उसमें से ही आपको तोड़कर ये वाली चीज बनानी है किसी भी तरह से, ठीक, और उसको बैलेंस करने के लिए जो जो चीजें यहां प्लस माइनस करनी पड़े कर देना,
ये तो 4m बन जाएगा, और इनको आप हल करोगे ना, जो भी चीजें बचेंगी वो ऑटोमेटिकली 4 की मल्टीपल बन जाएंगे अपने आप ही। और देखो बन भी गया, आपने 3s to the power k कॉमन लिया, 4 अपने आप बन गया, 4 आपने पूरे में से कॉमन ले लिया, तो 4 मल्टीप्लाई ये 4 का मल्टीपल बन गया। क्लियर? राइट। तो इतने क्वेश्चंस आप लोग आज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में और करके आना खुद से, जो नहीं बनेंगे अपन उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। For more updates, subscribe to our channel.